फ्रेंड्स, दिसंबर की आज 3 तारीख है। अगर आपने अपने गार्डन में विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को अभी जगह नहीं दी है, तो कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के नाम बताऊंगी जिसे अगर आप अपने गार्डन में जगह देंगे तो ये आपके गार्डन को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे जो है छोटे से गमले में भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप 5 इंच के गमले में भी आप अगर इन प्लांट लगाएंगे तो अच्छी क्वांटिटी में खिलते हैं और पूरा गमला एकदम भरा भरा और खूबसूरत लगता है। ये सारे प्लांट मैं नर्सरी जा करके नहीं लिया, और ये मैंने जो है नर्सरी वाले भैया को फ़ोन करके मैंने उनको ऑर्डर दिया था और उन्होंने घर पे पहुंचाया है मुझे, क्योंकि इस समय थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से नर्सरी जाना संभव नहीं था। तो आइए बात कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन से ऐसे प्लांट मंगवाए हैं जिसको आप 5 से 6 इंच के गमले में भी अगर लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागनी और आप देख रहे हैं रागनी क्रिएटिव गैलरी। तो आइए बात करते हैं अपने प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो है पिटूनिया। ये मेरा विंटर फ्लावरिंग फेवरेट प्लांट है क्योंकि ये कम जगह में भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर में और काफ़ी अच्छे अच्छे शेड में भी आते हैं। दूसरा प्लांट हमारा है गजानिया। गजानिया में भी काफ़ी अच्छे कलर और शेड आते हैं। और तीसरा प्लांट है हमारा डहलिया। डहलिया मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ी सी जगह में काफ़ी अच्छे से फ्लावर। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा गुलदाउदी। गुलदाउदी आप थोड़ा सा पॉट में 2-3 लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से और भरा भरा पॉट लगता है तो बहुत सुंदर लगता है, और ये कम से कम 1 महीने तक आपको अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसके बाद आता है गेंदा। गेंदा भी अब काफ़ी कलर में आने लगा है और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़े बड़े अब हमें नर्सरी में देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे साइज़ में होते हैं। और इसके बाद बर्बीना है, देंथस है, कैरेंडुला है, ये सारे मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं। और ये 5 इंच के गमले में भी अगर आप ग्रो करेंगे तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है ये। इसके अलावा एक और मेरा फेवरेट प्लांट है जो कैलेंचो है। इसको आप अपने गार्डन में ऐड करना ना भूले, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और कम से कम 1 महीने तक ये आपके गार्डन को हरा भरा और खूबसूरत फ्लावरिंग देता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं इन फ्लावर्स प्लांट को कैसे हम मिट्टी बना करके लगाएं। तो मैंने इस बड़े पॉट में मिट्टी लिया है 40% और 20% मैंने जो है सैंड लिया है, और 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है, और 20% मैंने इसमें 20% मैंने कोकोपीट डाला हुआ है इसमें। इसके अलावा आप इसमें बोन मील और नीम खली डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद आप नर्सरी पॉट लेकर के 5 इंच का, उसमें मैं डहलिया लगाऊंगी। ये देखिए आधा पॉट मैंने सॉइल को भर दिया है। इसके बाद जो भी आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं उसको आप पॉली बैग में से निकाल लीजिए, और इसके बाद आप नीचे की थोड़ी सी मिट्टी को हटा करके इसको पॉट में लगा दीजिए दबाते हुए, और सॉइल को चारों तरफ से भर दीजिए। तो बस आज का मैं काम यही ख़त्म करूँगी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है कि मैं 2 से 3 घंटे ही बस गार्डन में काम करूंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने भी इस तरह की शॉपिंग की है कभी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।